दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस टूल के बारे में। देखो, प्रेस टूल जब भी इंडस्ट्री में काम करता है ना, कुछ इस तरह से वर्किंग करता है। देखो जरा, प्रेस टूल इंडस्ट्री में मेटल को कट करने के काम आता है। मेटल को कट करके कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से इंडस्ट्री में काम करता है। अब इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेस टूल में सबसे पहले मैं शीट मेटल के कंपोनेंट को लेता हूँ। तो ये जिस तरह से शीट मेटल का आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है, उस तरह से एक वॉशर भी एक कंपोनेंट है, एक डोर हिंज भी एक शीट मेटल का ही कंपोनेंट है, और एक स्टेपलर भी शीट मेटल का ही कंपोनेंट है, जो कि प्रेस टूल से मिलकर बना हुआ है। मतलब प्रेस टूल से इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, जो इसका 3D व्यू है वो किस तरह से नजर आता है भाई, उसको भी हमको समझना थोड़ा सा जरूरी है, राइट। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेस टूल जो है वो डील करता है मेटल शीट के साथ, ठीक है। तो इसका 3D व्यू जरा देखें जरा। तो दिस इज द प्रेस टूल, और शीट मेटल टूल आप इसको बोल सकते हो, इसका 3D व्यू, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शीट मेटल के मटेरियल के बारे में तो जानते हैं हम लोग। तो अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होता है इनटू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोल्ड रोल स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर मटेरियल है। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन इंडस्ट्री में अलग अलग यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो कहां पर उसका कंपोनेंट का यूज करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, सभी मेटल का या फिर सभी मटेरियल का अलग अलग यूज हो सकता है शीट मेटल में, क्लियर है। देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने बात करी कि भाई एक ही तरह के कंपोनेंट को मैं अलग अलग मटेरियल से बनाऊंगा, तो उनकी वर्किंग या फिर उनका एप्लीकेशन अलग अलग होगा, राइट। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द यूज, उसका हमको उस तरह से ही मटेरियल को चूज करना होता है, राइट, ठीक है। तो चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि शीट मेटल के अंदर कौन कौन से मेटल्स आते हैं, या फिर शीट मेटल के अंदर क्या चीज आने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी मेटल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, राइट। लेकिन शीट मेटल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, शीट मेटल के कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। अ पीस ऑफ मेटल हुज थिकनेस इज बिटवीन 0.15 mm टू 6.35 mm, किसी भी मेटल का कोई पीस है वो 0.15 mm से लेकर अगर 6.35 mm के बीच में अगर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया शीट मेटल में कंसीडर करेंगे हम उसको, ठीक है। शीट मेटल को गेज में मेजर करते हैं, गेज का नंबर जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही वो शीट मेटल पतला होगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हो ग्रेटर गेज नंबर मीन थिनर द शीट मेटल, क्लियर है, ठीक है। शीट मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कटिंग टूल ही उसके क्रिएट होंगे, लेकिन नॉन कटिंग टूल को भी हम लोग बना सकते हैं, राइट, ठीक है। वर्किंग समझते हैं कि शीट मेटल की टूल बेस की उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करती है। तो डरने का नहीं है, आसान है, ठीक है। चल देखते हैं। देखो, शीट मेटल का टूल बेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक डाई सेट आपको बता रहा हूं, जो कि नीचे का पोर्शन है, उसके बाद पूरा अपर पोर्शन जो पंच सेट है, जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है भाई, देखो यहां पर एक क्या है, एक आप बोल सकते हो शीट मेटल का कंपोनेंट मैंने प्लेस करा है, ठीक है। अगर शीट मेटल का कंपोनेंट प्लेस करा, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा बाय द प्रेस मशीन, और ये क्या करेगा, मेटल को कट कर देगा, ठीक है। अगेन फिर से देखते हैं। देखो, ऊपर से इस तरह से प्रेस करेगा और क्या करेगा, मेटल को कट कर देगा। कट करने के बाद आपको या तो स्क्रैप मिलेगा, या तो आप बोल सकते हो आपको कंपोनेंट मिलेगा, राइट, ठीक है। चलिए, तो इसके पार्ट्स को समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है वो है पंच, ठीक है। उसके बाद हो जहां पर है वो है डाई। तो पंच और डाई जो है वो इसके मेन पोर्शन, मेन पार्ट है, क्लियर है। उसके बाद है पंच होल्डर, जिसने पंच को अपने अंदर रखा हुआ है होल्ड करके, राइट। उसके बाद है टॉप प्लेट, ठीक है, जो कि अपर साइड पर है। उसके बाद है बॉटम प्लेट, जो कि डाई के नीचे आपको नजर आ रही है, जिसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, बोल्ट करेंगे, क्लियर है। गाय यहां पर स्टॉपर है, और स्टॉपर क्या काम करता है, एक लिमिट में इसको स्टॉप करने का काम करता है, कि भाई इससे ज्यादा आगे इसको नहीं जाना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। यह है बोल्टिंग वाला एरिया, गाइड पिलर एंड द गाइड बुश। तो गाइड पिलर और गाइड बुश यहां पर क्या काम करता है, इस कंप्लीट टूल को और बेस को अलाइन करने का, सेंटर लाइन करने का काम करता है, राइट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।